पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैं शहबाज शरीफ को वार्न कर रहा हूं कि अगर कोई भी नुकसान हुआ तो शहबाज और जरदारी जिम्मेदार होंगे। उनका कहना था कि शहबाज और जरदारी अब घबराहट का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने इमरान खान को कहा था कि रावलपिंडी में रुकें, लेकिन उन्होंने बनीगाला जाने पर इसरार किया। शहबाज शरीफ साहब, आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आपने ये हरकत की तो आप पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम को तहबाला कर देंगे, लेकिन अगर आपने तजावुज किया, अगर आपने हमारे घर की दहलीज को फलांगा, तो उसके नतायज के जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आप होंगे, और जो नुकसान पहुंचेगा उसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब आप होंगे, और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर शहर में हर कस्बे में इमरान खान की कॉल का मुंतजिर होगा। ये हुक्मरान, ये शहबाज शरीफ और ये आसिफ अली जरदारी, ये घबरा गए हैं, इनके हाथ पांव फूल चुके हैं। हमने इमरान खान साहब से कहा कि वो आज रात रावलपिंडी में कयाम करें, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, बनीगाला जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वो निडर आदमी है, वो खौफ, वो कहता है मैं सिवाय अल्लाह के न किसी से डरता हूँ, न किसी के सामने सर झुकाऊंगा। तरीके इंसाफ के कारकुनान को ये कहना चाहता हूँ, आप तैयार रहे और पार्टी की कॉल के मुंतजिर रहे। हम पुरमन लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमने आईन के और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखनी है। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।